हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं गोलकंडा फोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में, हम लोग गोलकंडा फोर्ट के दरवाजे पे आ गए हैं अभी, और यहाँ से हम जाएंगे। सो देखिए कितना राउंड राउंड घूम के हम लोग जा रहे हैं। फिलहाल अभी पहुँचे नहीं है, अभी 5 मिनट और टाइम लगेगा। तो देखिए कितना विशाल है गाइस, कितना विशाल गेट है ये, आप लोग भी बताइए। सो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो बाहर का ये नज़ारा। फिलहाल कंठ सूख रहा है तो थोड़ा यहाँ पे जूस पी लेते हैं, देखते हैं क्या सब मिलता है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे गन्ना का जूस मिल रहा है, सो हम लोग अभी गन्ने का जूस पियेंगे फिर एंट्री करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहना और वीडियो लास्ट तक देखना, और हाँ आप लोग भी वाटर बॉटल जरूर ले लेना। सो हम लोग एंट्री कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। पहले जाएंगे टिकट लेने, यहाँ पे टिकट काउंटर है और यहाँ से टिकट लेके एंट्री करेंगे। यहाँ पे टिकट का प्राइस पर पर्सन है 25 रुपीज, और आप ऑनलाइन बुक करने पे आपको 20 रुपीज ही लगेगा। सो हम देख सकते हो एंट्री कर गए हैं, और आगे जाके देखते हैं क्या सब है। सो बाहर से तो बहुत विशाल लग रहा है ये गेट, देख सकते हो चारों ओर दीवार से घिरा हुआ है ये फोर्ट। और अंदर घूमने से पहले यहाँ पर का मैप जरूर देखें कि अंदर कैसे आप घूमिएगा। सो हम लोग आगे देख चुके हैं, मैप देख लिए हैं और आगे जा रहे हैं। सो गाइज देखिए आप लोग भी ये कितना विशाल है ये, ओ माय गॉड। आप जैसा कि देख सकते हो ये गेट, देखिए ये गेट कितना बड़ा गेट है, इतना लंबा चौड़ा गेट है। आपको दूर से भी हम दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। सो ये मेन गेट हुआ गोलकंडा फोर्ट में एंट्री के लिए। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे। सो गाइज देखिए ये इतना बड़ा गेट है, आप लोग भी देख सकते हो कितना बड़ा गेट है ये। और हाँ यहाँ से अब हम एंट्री कर रहे हैं। सो हम लोग अंदर आ गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो फोर्ट का व्यूज कितना अच्छा लग रहा है, कितना पुराना है ये, 14वीं शताब्दी का ही ये फोर्ट है। यहाँ से आप फोटो वगैरह, यहाँ पे फोटोग्राफर बहुत सारे रहते हैं, यहाँ पे आप फोटो शूट करवा सकते हो। यहाँ पे हाँ गाइड भी ले सकते हो, उनका चार्ज रहेगा 1000 रुपीज। और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, ये फोर्ट से कई सारे रास्ते ऊपर की ओर जाते हैं। सो आप यहाँ से किसी भी रास्ते से आप ऊपर जा सकते हो। सो देखो गाइस हम आगे चल के दिखाते हैं इधर क्या है। सो इधर देख सकते हैं, इधर पार्क जैसा लग रहा है, पार्क जैसा क्या, पार्क ही है इधर। आप लोगों को दिखाते हैं आगे चल के इधर का व्यूज, आप लोग भी देख लीजिए, कभी आइएगा तो जरूर घूमिएगा। पहले हम सोचे नीचे नीचे ही देख लेते हैं क्या सब है, फिर ऊपर जाएंगे। सो इधर से भी हम ऊपर जा सकते हैं, बट इस रास्ते से नहीं। आप लोग बैक का व्यूज देखिए यहाँ से कैसा लग रहा है। सो हम लोग वापस रिटर्न आए, और यहाँ पर से आपको यहाँ का व्यूज दिखाते हैं। इस किले का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। सो आप देख सकते हो ये किला भी दिखा रहे हैं, हम पास भी जा रहे हैं, यहाँ पे पास से ले रहे हैं पिक, वीडियो भी बना रहे हैं। ये है असलाह खाना, पुराने जमाने में यहाँ पे अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। सो यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है असलाह खाना के बारे में, यहाँ पे क्या क्या होता था नहीं होता था। सो आगे देखिए, यहाँ पे एंट्री नहीं थी, हम लोग बाहर से ही फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। सो बाहर का ही सीन देखिए, और आगे चल के दिखाते हैं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। यहाँ से भी आप लोगों का साइड व्यूज दिखाते हैं कैसा दिखता है।
चारों तरफ सुनसान लग रहा है, बट इतना भी सुनसान नहीं, हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं इसलिए इतना वीरान पड़ा हुआ है ये रास्ता। सो आप लोग देखते चलिए हम लोग के साथ ही, आप भी। ये देखिए ये है रामदास का जेल खाना, और अभी इसमें मंदिर है, यहाँ पे पूजा होता है इस टेंपल में, देख सकते हो ऊपर जाके मंदिर है। चल चल के तो पैर फूल गया है, अभी और भी ऊपर जाना है। और हाँ गाइस, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। और देखिए ये साइड का व्यूज कितना ऊपर आ गए हैं, सो आप देख सकते हो अभी इससे भी ऊपर और जाना है। सो हम लोग चल रहे हैं और ऊपर जाके दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में जगदम्बा टेम्पल है, यहाँ पे टेम्पल है, और इधर भी हाउस है कुछ। और इसी टेम्पल से आगे आए हैं तो यहाँ पे दरबार हॉल है, जो कि अभी बंद है, अभी इसके ऊपर नहीं जाने दिया जाता। और देखिए गाइस, यहाँ से सबसे ऊपर में है अभी हम, और सबसे ऊपर से नीचे का भी देखिए कैसा लग रहा है। यहाँ से देखिए पूरा सिटी एंड गोलकंडा फोर्ट को ऊपर से देखिए, अभी नीचे जाके वो सारे जगह घुमाने वाले हैं। स्किप मत करना वीडियो को और पूरा देखना इन तक, और जरूर बताना कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा बना है, हम इतना मेहनत करके बना रहे हैं। तो हम लोग नीचे आ गए हैं और नीचे का व्यूज दिखाते हैं आप लोग को, जितना हो सके आप लोग देखिए। तो वीडियो बनाते ही आगे जा रहे हैं, आगे जाके रानी महल भी हम दिखाने वाले हैं, आगे रानी महल भी है, तो देख सकते हैं पूरा खंडहर की तरह लग रहा है, इतना पुराना जो है। ये फोर्ट पूरा लगभग 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इतना लंबा चौड़ा है, देखने से ही लग रहा होगा कि कितना। तो आगे आके दिखाते हैं यहाँ पे कोरोना से पहले यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो चलता था, और अभी फिलहाल बंद है। सो आप देख सकते हो कितना बड़ा है, ये आंगन जैसा लग रहा है, हमारे घर में जैसा आंगन होता है ना, वैसा ही। सो देखिए ये रानी महल है, यही इसी के अंदर एंट्री करके हम लोग घूमेंगे। अंदर जाके आप लोग को पूरा वीडियो दिखाते हैं, आप लोग वीडियो देखिए।
सो गाइस, कितना लंबा था रानी महल, अब हम लोग जाके बाहर निकलेंगे। सो गाइस, अब हम लोग बाहर निकल गए हैं। सो रानी महल हम लोग घूम लिए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है रानी महल का समुदाय। सो इधर भी पूरा गार्डन ही अब बना दिया गया है। सो हम लोग पूरा फोर्ट घूम लिए हैं, यहाँ गोलकंडा फोर्ट पूरा घूम लिए हैं। सो अब हम लोग बाहर निकलेंगे। हो गया वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगा है ये वीडियो बनाने में, और चल चल के तो मेरा पैर का तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। सो गाइस प्लीज़, आप लोग फुल सपोर्ट करो मुझे भी। सो इधर पूरा पार्क ही पार्क है, आप देख सकते हो इधर पूरा गार्डनिंग किया गया है। सो अब हम लोगों का पूरा वीडियो बन गया है, और हाँ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।